हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आईपीएल 2022 के सीज़न में कोलकाता नाइट राइडर्स की यानी केकेआर की कैसी प्लेइंग 11 होगी। लगभग ऐसी ही होगी जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। बाकी मैं ये वीडियो एज ए फैन बना रहा हूं, आप कमेंट करके जुड़ता है आप अगर आप केकेआर के फैन हैं इस वीडियो के लास्ट में कि कैसी प्लेइंग 11 होनी चाहिए। तो सबसे पहले बता दूं, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स फटाफट मिलती रहेंगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओपनर्स कौन होंगे। सबसे पहला नाम तो मैंने वेंकटेश अय्यर ही रखा जो कि ऑलराउंडर होंगे इस टीम में, जिन्होंने पिछली बार काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और केकेआर को मदद की थी फाइनल में पहुंचाने में, जहां पर पार्ट वन में ऐसा लग रहा था कि प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाएगी केकेआर की टीम, लेकिन कॉम्बिनेशन चेंज किया, ओपनिंग इनको टीम में लाया और इन्होंने वो करके दिखाया जो कि टीम ने चाहा था। तो अगर हम बात करें दूसरे ओपनर की जो कि इन्होंने मेगा ऑक्शन में खरीदा, मुझे लगता है कि एलेक्स हेल्स जो कि इंग्लैंड के विस्फोटक ओपनिंग बल्लेबाज हैं, इनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, दुनिया भर की फ्रेंचाइजी लीग खेल रहे हैं, तो लेफ्ट एंड राइट एंड कॉम्बिनेशन भी बना रहेगा जहां पर वेंकटेश अय्यर चाहें तो गेम चला सकते हैं और ये छक्के चौके लगा सकते हैं, हिटिंग कर सकते हैं, पावर प्ले का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करें तीसरे नंबर पर जो कि मुझे लगता है कि कप्तान हो सकते हैं, सुरेश अय्यर कप्तान मुझे लगता है यही होंगे, 70% लग रहा है सुरेश अय्यर कप्तानी करते हुए हमें दिखेंगे केकेआर की टीम की। ये बहुत ही बढ़िया पिक किया केकेआर की टीम ने सुरेश अय्यर को चुनको। तो तीसरे नंबर पर बैटिंग करते हुए दिखेंगे कप्तान सुरेश अय्यर, जहां पर गेम चला सकते हैं और आखिर में ये अच्छे से फिनिश कर सकते हैं ओवर्स को, तो सुरेश अय्यर कप्तानी करते हुए दिखेंगे। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए हमें दिखेंगे आईपीएल 2022 में केकेआर की टीम की तरफ से। नेक्स्ट हम बात करें तो चौथे नंबर पर होंगे नीतीश राणा, जिन पर दोबारा भरोसा दिखाया केकेआर की मैनेजमेंट ने। तो नीतीश राणा चौथे नंबर पर खेलते हुए दिखेंगे, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इनका भी रहा था आईपीएल 2021 के सीज़न में, हालांकि कंसिस्टेंसी ज़्यादा दिखी नहीं थी लेकिन काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने करके दिखाया था। तो नेक्स्ट टाइम जो इसके बाद जो बात करते जो कि ऑप्शन होगा इनके लिए पाँचवें नंबर, वो शेल्डन जैक्सन। शेल्डन जैक्सन को दोबारा खरीदा इन्होंने, इस खिलाड़ी के पास काबिलियत है, जहाँ पर दिनेश कार्तिक खेलते पिछले साल, मुझे लगता है कि विकेट कीपर शेल्डन जैक्सन को मौका दिया जाएगा। सैम बिलिंग्स भी हैं इनके पास, तो बाबा इंद्रजीत भी हैं जो कि विकेट कीपर जो स्लॉट है इनके पास, तो देखते किसको खिलाते, मुझे लगता है शेल्डन जैक्सन। छठवें नंबर पर आंद्रे रसल, आंद्रे रसल फिनिश करते हुए हमें दिखेंगे इस टीम की तरफ से, हर बार की तरह आंद्रे रसल ऊपर भी आ सकते हैं, वो सिचुएशन को देखकर आ सकते हैं आंद्रे रसल। तो अगर हम बात करें सातवें नंबर मैंने रखा है सुनील नारायण को, हालांकि इनके पास ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं, जैसे कि मोहम्मद नबी हो गए, चमिका करुणरत्ने जो कि हैं श्रीलंका के प्लेयर, तो मैंने सुनील नारायण को रखा, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने करके दिखाया था, काफ़ी मेन रोल अदा करते हैं सुनील नारायण, बैटिंग से भी इन्होंने किया था जहाँ पर आरसीबी की एक डैन क्रिस्टन को अच्छे खासे रन बनाए थे और फाइनल में पहुँचाया था, आरसीबी को बाहर कर दिया था फाइनल की रेस से। तो इनके बाद जो कि आठवें नंबर पर पैट कमिंस होंगे, डेफिनेटली पैट कमिंस को दोबारा खरीद ले इस टीम के पास, जो कि दो बड़े लीडर्स आ चुके हैं, सुरेश अय्यर हो गए दूसरे जो कि कप्तान है ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान, और एक आंद्रे रसल भी लगा लीजिए जो जिनके पास एक्सपीरियंस है, तो काफ़ी धमाकेदार होने वाली है टीम। आगे अगर हम बात करें तो इनके बाद नौवें नंबर पर होंगे शिवम मावी बैटिंग कर सकते हैं, पैट कमिंस भी बैटिंग कर सकते हैं, सुनील नारायण भी बैटिंग कर सकते हैं, तो ऑप्शन काफ़ी होंगे, तो इनकी डेप्थ बढ़ गई है, बैटिंग में भी गहराई बढ़ गई है, तो शिवम मावी को दोबारा खरीदा है केकेआर की मैनेजमेंट में। दसवें नंबर पर मैंने रखा है रसीक सलाम को रखा है मैंने दसवें नंबर पर, जहाँ पर इन्होंने एक सीज़न खेला था मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने करा था, इनके पास स्पीड भी है और साथ साथ स्विंग भी है इस युवा तेज गेंदबाज के पास। इन तो केकेआर की बॉलिंग से शुरुआत करते हुए हमें दिखेंगे रसीक सलाम, इनके पास उमेश यादव भी हैं, वो भी नो डाउट बहुत ही बड़े तेज गेंदबाज एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि युवा को शायद मौका दे दे पहले ही। आखिर में बात करूँ ग्यारहवें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, मिस्ट्री स्पिन गेंदबाज रहे हुक्म केकेआर केकेआर की टीम के, तो वरुण चक्रवर्ती होंगे। तो दोस्तों ये थे 11 के 11 खिलाड़ी, और भी काफ़ी ऑप्शन आप कमेंट करके जुटता है पूरी स्क्वाड में से टोटल 11 प्लेयर्स कौन से होने चाहिए अगर आप कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के फैन है। तो ऐसा सीएसके की प्लेइंग 11 तो मैंने बता दी, आप देख सकते होंगे वो प्लेलिस्ट पूरी मैं करूंगा। तो ये थी आज की वीडियो अच्छा लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आपसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करें नेक्स्ट वीडियो का, बाय बाय।